ही। चलो चलो, अब आप फ्री हो। एक बात है, गया है बलुआ पत्थर नहीं, बड़ा हार्ड अरावली का बड़ा हार्ड पत्थर है। इन किले हैं सब में बलुआ पत्थर का प्रयोग है। इसमें हमारे सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं भाई, देखो। गेट पे एक विशेष बात देखने के लायक है, देखिए यहाँ कील लगी हुई है और हो सकता है कि ये कील पूरे गेट में रही हो। इस साइड भी गेट पे कील है। आओ इधर से बोल रहा हूँ, बोले उधर से। हाथी का अभी जो उदयपुर वाले को देख के ही सारा सिस्टम बना रहे हैं। ये पालकियाँ हैं। उसी का तो है 100 रुपये भैया, और मैं कौन सा तुम्हारा फोटो खींच के तो प्रिंट दूंगा, उसी का 100 रुपये। ब्लॉक में आया है।
पूरी सोने की पालकी है, ग्लास लगा हुआ। तलवारा था बाबू जी, तलवारा गर्जना काट सब चीज काट में चांदी की जोर लोया की चांदी महाराजा गज सिंह की फोटो आप देख रहे हैं। ये उस समय की बंदूक, ढाल, कवच, यहाँ का मैं उस समय का ये ड्रेस ये आप लोहे का ताला और चाबी देख रहे हैं। ये उस समय राजघराने की करेंसी है। खास बात है इसमें उर्दू लैंग्वेज का भी प्रयोग है करेंसी में। छोटी सी तोप है, अफगानिस्तान के बॉर्डर काबुल में वहाँ टैर पड़ी थी, दोस्तों दिल्ली का मुगल बोर्डर के नाम पड़े थे।
इस समय मैं राजा के आंतरिक निवास में हूँ और जो देखने लायक है नक्काशीदार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हो बेटा। वो क्या बोलते हैं ममता बनर्जी? हाँ चलो हम तो ऐसे चलते हैं, आप दर्शन करते रहो रामदास जी महाराज। इस प्रसंग में ये राजा ये इसमें लाइट होती है और लाइट में ये पूरा इसमें ये आप शीश महल देख रहे हैं। मैंने बताया ना कि ये राजा का इंटरनल आवास है और इसमें उनका ये व्यक्तिगत रूम है। ये पूरी बिल्डिंग डबल ट्रिपल स्टोरी है लगभग। क्या हो गया? नेक्स्ट स्टोरी चल रहे हैं। अब महल के अंदर से जोधपुर टहल रहे हैं। जोधपुर देखिए, आवास में आर्मी शस्त्र खान उस समय की तलवारें जो राजशाही पद्धति में हैं, एक कवच बच्चे कितने इंटरेस्टेड हैं। बंदूक कुल्हाड़ी बर्छी भाला पूरी बिल्डिंग जो हम टहल रहे हैं राजा का अपना रेजिडेंस था, इंटरनल रेजिडेंस। एक बार जो विशेष देखने को आ रहे हैं कि यहाँ जो पत्थर की जालियाँ बनी हैं आप देख रहे हैं, इन जालियों की क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ है। दूसरी बात, जो यहाँ पत्थर प्रयोग किया गया है ये बलुआ पत्थर नहीं है, बहुत हार्ड पत्थर है अरावली पर्वत का, और इस पर जो नक्काशी की गई है वो अपने में विशेष अद्वितीय है। ये संभवतः तीन स्टोरी है बिल्डिंग में, एक स्टोरी और छत है अब डाउन की तरफ। ये हम नीचे से आए हैं आप देख रहे हैं, और इस महल के ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हम हैं। पहले ये तो चारों तरफ से आवास खुला हुआ है, हवादार है। ऊपर से की डिजाइन देख रहे हैं गोल्डन कलर में जो लकड़ी का है, इस पे गोल्डन कलर की पेंटिंग है। ये विंडो है, विंडो का गेट है डिजाइन युक्त। Thank you.
लाइट आ रही नहीं, मेरे कैमरे की लाइट जल रही है। आए हैं जो चीज़ वो देख के जाएंगे, आना आए हैं जो चीज़ वो देख के जाएंगे। इस समय गेट लगा है, आप ये गेट देखिए, आंगन के गए हैं ये तो देख के। ऊपर ग्लास लगा हुआ है और गोल्डन कलर का गोल्डन लगा है, और ये कि नक्काशी इस बिल्डिंग की बहुत अपने में अद्वितीय है। और आप ये देखिए नीचे भी संगमरमर के पत्थर लगे हैं, और इसमें भी अब ये जिस पोर्शन में चल रहे हैं ये औरतों का आवास था, जनानी डोढ़ी, अब उसके अंदर चल रहे हैं। और अब ये औरतों का पोर्शन है, आप देख सकते हैं, और पत्थरों की उसी कलाकारी के साथ ही बनाया गया है। इसमें एक दुकान भी है जिसमें कपड़े उपड़े रखे हैं। ये जो आप खरीद सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ये पूरा अंदर मार्केट एरिया है, ये बहुत प्रकार के सामान हैं जो आप खरीद सकते हैं, कपड़े उपड़े, ये मार्केट क्षेत्र बनाया है। इस मार्केट में कुछ बुक्स भी हैं, अब आप ये क्राफ्ट बाजार देख रहे हैं, राजस्थानी जूते चप्पल, राजस्थानी कपड़े, सब कुछ मार्केट एरिया है, अच्छा है, ये भी होनी चाहिए। यहाँ पर होता है। आओ। अब हम मंदिर पोर्शन में प्रवेश कर रहे हैं, जोर ये देवी माँ का मंदिर है, ये शाही परिवार का मंदिर है, जो शाही परिवार के लोग अपनी पूजा करते थे। इसमें हिंगलाज जी माता जी, चतुर्भुज माता जी, नागेच्या माता जी और शिव पार्वती की मूर्ति है, नाथ जी की भी मूर्ति है। ये मंदिर का पोर्शन बहुत शालीनता, बहुत ऐसे एक किनारे बनाया गया है। अभी पता करते हैं महल का स्टोरी है, वैसे मुझे सेकंड स्टोरी नज़र आया, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन जो एक विशेष बात है इस किले में, वो पत्थर में नक्काशी और इसमें यूज किया गया पत्थर की क्वालिटी है। ये है इधर से हम निकले और इधर से और उधर से एंट्री किए थे, जहाँ लोग खड़े हैं बेचारे उनकी फोटो नहीं ले रहे। वो जहाँ टेंट लगा है वहाँ से एंट्री और यहाँ से निकासी। अब हम बैक साइड में चल रहे हैं, किले के ये देखिए,
अब ये गार्डन एरिया है जो यहाँ का गार्डन था, आप देख रहे हैं सामने दिख रही है, इसी से बाहर आया। और इसमें वो देखिए बैक साइड में गेट है, उधर से गेट बंद है। ये किले का एक साइड एरिया है, इस साइड में राजशाही आवास है। पोर्शन में हम चल रहे हैं, और जब ये म्यूजियम बनाया गया तो कुछ तोपें ला के रखी गई, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ पहले से भी तोपें लगी हैं, लेकिन इतनी नहीं लगी रही होंगी, लोकेशन पे तोपें लगी थी। ये तो ये निकलना होता है ना, तो निकलता है आगे ये। आप देखिए इसके बाद ये इधर से सीढ़ी जा रही है, ये लास्ट में माता जी का मंदिर है, और यहाँ एक छोटा सा तालाब भी बना है जो बरसात का पानी कलेक्ट होता है। और यहाँ से इंड में हम आपको जोधपुर दिखाते हैं, पूरा जुगाड़ बना के। ये आपने देखा, इस तोप की डेट लिखी हुई है 29/1/24। यहाँ का कड़ाहा, यहाँ के कर्मचारियों, किले के कर्मचारियों का भोजन, इसमें असली लोहा है और शुद्ध लोहे का बनावट देखिए। अब बाहर निकलते हुए भाई किले का भ्रमण कर लिया। थैंक्स भगत, यदि आप पहली बार हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा।